दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कोविड-19 तेज़ी से फैल रहा है। इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा केसेस अभी तक हो गए हैं और हमें फाइट करना है कोविड-19 के साथ और इंश्योर करना है कि हम इसकी चेन को ब्रेक करें और सतर्क रहे और ख्याल रखें अपने खुद का और अपने फैमिली का। तो मैं आपका होस्ट दोस्त विश्वनाथ सावंत स्वागत करता हूँ। चलो देखते हैं कैसे। दोस्तों, नंबर वन, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक क्वेश्चन अपने आप को कीजिए, क्या आपका बाहर जाना ज़रूरी है? नहीं तो घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। अगर हाँ तो इन चीज़ों का पालन कीजिए। नंबर वन, जब भी आप बाहर जाओगे उसके पहले आपको आपका फेस कवर करना है ट्रिपल लेयर क्लोथ से, और आप यूज़ कर सकते हैं N95 और सर्जिकल मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं जो ग्रीन कलर में आता है। उसके बाद दोस्तों, नंबर टू, जब भी आप बाहर जाओगे तो आपको यूज़ करने हैं प्लास्टिक सैंडल्स, और आपको आपके घर के बाहर ही रखने हैं उसको, जिससे कि आप जब भी बाहर जाओगे तो आप वही सैंडल यूज़ करोगे। नंबर थ्री, जब भी आप बाहर जाओगे और आप इंट्रैक्शन करोगे, कभी जैसे अपन सामान लेने जा रहे हैं तो कभी सब्ज़ी को हाथ लगाया, सब्ज़ी वाला भैया अपने को सामान देता है, हम उसको हाथ लगाते हैं, या अपन शॉप में जाते, कोई वस्तु शॉपकीपर देता है और हम उसको टच करते हैं। ओके, सो जब भी ऐसे कोई सिचुएशन आएगी तो आपका जो नॉन डोमिनेंट हैंड है, जैसे कि आप रेगुलर यूज़ में अगर आप यूज़ करते हो राइट हैंड, तो आपको यूज़ करना है लेफ्ट हैंड। ओके, वो क्यों दोस्तों? नॉर्मली क्या होता है कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे लोगों को ये हैबिट रहता है कि बार बार हाथ लगाने का फेस को, तो क्या होगा कि अगर आप ये हाथ यूज़ करोगे बाहर की एक्टिविटी के लिए तो ये आपका हाथ सेफ रहेगा। अगर नोइंगली अनोइंगली अगर आपका हाथ आपके फेस में लगता है तो कम प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर टू दोस्तों, कि यूज़ ऑफ एलिवेटर, अगर आप एलिवेटर का यूज़ नहीं करोगे तो ही अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपको एलिवेटर का यूज़ करना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आप लिफ्ट को कॉल दे रहे हो, लिफ्ट का बटन प्रेस कर रहे हो, तो आपको नकल यूज़ करना है, और यू कैन यूज़ योर नॉन डोमिनेंट हैंड टू प्रेस द बटन। और जो लिफ्ट की रेलिंग रहती है, जैसे कि किस किस जगह पे ऐसे स्लाइडिंग रहती है या किसी को पुश करना रहता है, तो आप लेफ्ट हैंड का ही यूज़ करें। और इस चीज़ को यूज़ करने के बाद, एलिवेटर के बटन और बाकी चीज़ों को यूज़ करने के बाद, आप आपका हैंड सैनिटाइज कीजिए और 20 सेकेंड तक सोप से उसको क्लीन कीजिए। नंबर थ्री, जब भी आपको बाहर जाना पड़े तो आपकी कैरी बैग, कपड़े की बैग, कैरी बैग, बकेट, खुद का ही यूज़ कीजिए जब भी आप कोई सामान बाहर से ले रहे हैं। और जब भी बाहर जाएंगे तो आप 70% अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर साथ रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी बाहर रहेंगे तो एक 6 फीट का डिस्टेंस ज़रूर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जब भी आप बाहर जाओगे, जिस चीज़ के लिए भी आप बाहर जा रहे हो, तो इंश्योर कीजिए कि आपको बार बार ना जाना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 1 लीटर दूध लगता है 3 दिन के लिए, तो आप इंश्योर कीजिए आप 1 लीटर लेके आइए, 2 हाफ लीटर की दूध की बैग लेके आइए, सो दैट 1 हफ्ते का आपका काम हो जाएगा और 1 हफ्ते तक आपको जाना नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा रिलायंस के फ्रेश स्टोर्स हैं, उसके बाद डीमार्ट के शोर स्टोर्स हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप ये सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। सो दोस्तों, जब भी आप परचेस कर रहे होंगे कोई भी चीज़, तो ध्यान में रखने वाली चीज़ है, जब भी आप परचेस करेंगे तो इंश्योर कीजिए कि आप डिजिटल पेमेंट को प्राधान्य देंगे, जैसे कि UPI पेमेंट हो गया, पेटीएम हो गया, जियो मनी हो गया, सो नेट बैंकिंग हो गया, तो प्राधान्य दीजिए इन चीज़ों को कि जब भी आप कोई परचेस कर रहे हैं।
नंबर टू, किसी कारण आपको कैश देना पड़ा परचेज करने के टाइम, तो इंश्योर कीजिए जितना भी आपने कैश दिया है उसके लगभग सामान ले लीजिए, और अगर अच्छा ही होगा कि अगर आप कोई रिटर्न में एक्सचेंज ना ले, अगर लेना भी पड़ा तो वो आपके हैंड में ही रखिए जब तक आप घर नहीं आते हैं। नंबर थ्री दोस्तों, अगर कोई कारण से आपको एटीएम जाना पड़ा, तो एटीएम जैसे ही आप एटीएम में जाएंगे तो एटीएम का कीपैड रहता है वो पहले सैनिटाइज कीजिए 70% अल्कोहल से, और उसके बाद यूज़ कीजिए एटीएम का। किसी कारण से अगर आपको कार्ड देना पड़ा पेमेंट के लिए, तो पहले डिमांड कीजिए कि कार्ड टैपिंग मशीन वाला हो, जैसे कि अपने को अभी जो नए लेटेस्ट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आए वो आते हैं RFID के साथ, ओके, जिसमें वाईफाई का सिंबल होता है, जिसमें आप टैप करोगे तो ट्रांजैक्शन हो जाता है। किसी कारण से टैपिंग वाला पॉज नहीं है शॉपकीपर के पास, तो अगर आपको कार्ड यूज़ करना पड़ा तो इमीडिएटली यूज़ करने के बाद कार्ड को सैनिटाइज ज़रूर कीजिए। तो जैसे कि दोस्तों, अगर आपने परचेस किया है शॉपकीपर के साथ और शॉपकीपर ने आपको कैश के बदले कैश दे दी है या आपको खुले दिए हैं आपके कैश के इसमें, तो आप वो कैश को हाथ में रखेंगे और घर लेके आएंगे और किसी भी घर के सदस्य को बोलेंगे कि आपका जो क्लोथ आयरन रहता है उससे वो नोट्स को प्रेस करेंगे और ऐसे ही रख देंगे मिनिमम 72 आवर्स तक, और उसके बाद आप उसका रीयूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं कॉइन्स की, तो कॉइन्स को आप करेंगे सैनिटाइज 70% हैंड सैनिटाइजर से। सो दोस्तों, बात करते हैं जब भी आप घर रिटर्न आओगे तो आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। तो जैसे आप घर के लिए घर के अंदर आओगे, उसके पहले आपको आपके शूज स्लीपर्स घर के बाहर रखने हैं डेजिग्नेटेड स्पॉट, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं। अगर वो स्पॉट नहीं है घर के बाहर, तो घर के अंदर रखना है डोर के बाजू में, जहाँ पे घर का कोई भी सदस्य आजू बाजू में ना आए। उसके बाद आपके वॉलेट्स है, कीचेंस कीज़ है, तो आपको एक डेजिग्नेटेड स्पॉट में बनाना है। वो स्पॉट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपका घर का सदस्य, कोई भी घर का सदस्य वहाँ आसपास ना आए, ना ही वो चीज़ों को छुए। नंबर थ्री दोस्तों, आपको इमीडिएटली जाना है बाथरूम में, आपके कपड़े डालने हैं लुकवॉर्म वाटर में और डिटर्जेंट से उसको क्लीन करना है। उसके बाद आपको लेना है शॉवर, उसके बाद आप पहन सकते हो डिसइंफेक्टेड क्लोथ एंड यू विल फ्री टू इंटरेक्ट विथ योर फैमिली। सो दोस्तों, बात करते हैं जो आपने फूड वेजिटेबल्स परचेस करके लेके आए उनका ख्याल कैसे रखें। तो पहली बात दोस्तों, उनको वेजिटेबल्स को स्टोर करने से पहले आपको उनको करना है वॉश, और वॉश करने से पहले आपको आपके हैंड्स 20 सेकेंड तक सोप से क्लीन करने हैं। उसके बाद आप थरोली हर एक वेजिटेबल्स को क्लीन कर सकते हो 20 मिनट्स के लिए, और हाँ, इस क्लीनिंग करने के लिए आप उपयोग कर सकते हो सॉल्ट और बेकिंग सोडा, इन दोनों का मिश्रण, उससे भी आप वेजिटेबल्स को क्लीन कर सकते हो। और सेम गोज़ विद अगर आपने कुछ टेट्रा पैक लिया है, ओके, जैसे टेट्रा पैक में कुछ चीज़ें आते हैं, जूस आते हैं, तो आप उसके लिए भी सेम मेथड यूज़ कर सकते हो। हाँ, तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, कि जब भी आप कोई सामान परचेस करेंगे बाहर से, ट्राई कीजिए कि आप पैकेज फूड ही लेंगे, ओके, ट्राई कीजिए, ट्राई एज मच एज यू कैन बाय अ पैक्ड फूड, जो आप लेके फिर जैसे मैंने आपको अभी प्रोसेस बताया क्लीनिंग का, वो क्लीनिंग करके आप यूज़ कंज्यूम कर सकते हो। कोई भी वेजिटेबल कंज्यूम करने से पहले उसको अच्छे से कुक्ड कीजिए, बिना कुक, जैसे कोई सलाद फ्रिज में रख देता है वैसे ही खा लेते हैं, तो वैसा मत कीजिए। व्हाटएवर यू विल ईट, पहले आप उसको गर्म कीजिए। नंबर थ्री दोस्तों, अगर आप दूध लेते हो, कोई पर्सन है जो आपको दूध डिलीवरी करता है, वो जो अनपैक्ड मिल्क है, ठीक है, तो उसको लेने के पहले आप 6 फीट का डिस्टेंस ज़रूर रखेंगे। उसके बाद मिल्क लेने के बाद इमीडिएटली उसको गर्म कीजिए, मिल्क को अच्छे से बॉयल कर लीजिए। सो दोस्तों, बात करते हैं कि क्वारंटाइन ड्यूरेशन फॉर पैकेज्ड मटेरियल का। तो आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखाई देगा, तो जैसे कि एल्यूमिनियम का कोई प्रोडक्ट हो जिसमें आपने कुछ परचेस किया है, तो उसको क्वारंटाइन का जो टाइम है वो है
2 to 8 hours, बहुत कम टाइम है। नंबर टू वुड, अगर कोई वुड में चीज़ आते हैं जैसे मैंगोज आते हैं वुड में, तो उसका जो क्वारंटाइन टाइम है 4 days। प्लास्टिक का कोई मटेरियल आता है परचेस करते हैं आप, तो उसका क्वारंटाइन टाइम है 2 to 5 days। मेटल वाला प्रोडक्ट का क्वारंटाइन डे है 5 days। पेपर का कोई प्रोडक्ट है तो इसका क्वारंटाइन है 3 hours to 5 days, वेरी करता है दोस्तों। सिरेमिक का कोई प्रोडक्ट है तो उसका क्वारंटाइन टाइम है 5 days। अगर स्टील का कोई क्वारंटाइन प्रोडक्ट है तो उसका टाइम है 28 days, 2 to 28 days। अगर ग्लास का कोई प्रोडक्ट है तो उसका क्वारंटाइन टाइम है 4 to 5 days। सो दोस्तों हम यहाँ पे करते हैं अपने वीडियो को एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ ये इन्फॉर्मेशन बहुत नेसेसरी है। प्लीज़ डू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।